मॉर्निंग फ्रेंड, आज है फर्स्ट में, तो चलिए देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स। वेलकम टू द चैनल। और सबसे पहले देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ लॉन्च सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव? कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव? तो जल्दी से गेस कर ले। जी हाँ, इसका आंसर है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अभी हाल में सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत क्या है कि चाइना पे सर्वेलेंस करना है, यानी चाइना पे नज़र रखना है। चाइना जो है काफ़ी एक्टिव है साउथ चाइना सी में, वहाँ पे एक्टिव है चाइना, इसलिए उस पर नज़र रखना है। किन के द्वारा? इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कंट्री के द्वारा ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन नंबर वन। 30 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज? 30 अप्रैल क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन डाला गया है। 30 अप्रैल को हम लोग बनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस, क्योंकि इसी दिन आयुष्मान भारत योजना स्टार्ट की गई थी। ये मोदी केयर नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है। देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम क्या है थोड़ा जान लेते हैं। इसके अंतर्गत 10 करोड़ परिवार को 5 लाख रुपये दी जाएगी मुफ्त इलाज के लिए। ये जो इलाज करवाया जाएगा वो बहुत ही सीरियस बीमारी के लिए होगा, छोटे मोटे बीमारी के लिए नहीं होगा, जिसके लिए बड़े हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता होती है। ये प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल दोनों में सुविधा दी जाएगी, क्योंकि ये 10 करोड़ परिवार की बात की जा रही है, तो इसका मतलब ये 50 करोड़ लोगों की बात की जा रही है। तो इस स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत योजना। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ चलते हैं। देखिए, अभी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रेस सा माहौल है और चाइना आगे बढ़ रहा है, अमेरिका आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक कंट्री है जिसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2022 तक बनाने की बात की है, वो कौन सी कंट्री है? वो है चाइना। चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो 2022 तक अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाएगा। देखिए, स्पेस में क्या होता है, एक स्टेशन होता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे जो भी एस्ट्रोनॉट हैं वो वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी जाती है। सबसे पहले तो ये एक प्लान वे में बनाया गया था, जिसमें यूएसए, जापान, रशिया, इन सारे जो कंट्री हैं वो मिलकर एक स्पेस स्टेशन बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लेकिन अभी चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपना एक सेपरेट स्पेस स्टेशन बनाएगा, जहाँ पे लोग जाके रह सकते हैं, मैंड जो उनके एस्ट्रोनॉट हैं वहाँ पे जाके रह सकते हैं। ये जो लॉन्च किया गया है चाइना का, इसने अपना पहला फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च किया है, उस मॉड्यूल का क्या नाम है? तो जो फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च किया गया अभी हाल में चाइना के द्वारा, उसका नाम है हारमनी ऑफ द हेवेंस। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हारमनी ऑफ द हेवेंस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, दिस इज़ द एरा ऑफ कोविड एरा। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोडक्शन टारगेट फिक्स किया है कि फूड प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, क्योंकि फूड क्राइसिस भी हो सकती है। कोविड एरा में क्या होता है, काम कहीं ना कहीं ठप हो रहा है, तो ऐसे में फूड प्रोडक्शन टारगेट एक सरकार ने सोचा है, वो क्या है वो देखते हैं। तो इन दिस एरा ऑफ कोविड एरा, व्हाट विल बी द प्रोडक्शन टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो फूड प्रोडक्शन टारगेट क्या है, यहाँ पे फूड प्रोडक्शन होगा। व्हाट विल बी द फूड प्रोडक्शन टारगेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इंडिया का फूड प्रोडक्शन टारगेट है 307 मिलियन टन। एक्चुअली में ये है 307.31 मिलियन टन, ठीक है, जो कि 2021-22 के लिए टारगेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखें, इसमें खरीफ और रबी सीजन दोनों में कितने क्रॉप प्रोड्यूस करने हैं उसके टारगेट बताए गए हैं। खरीफ सीजन की बात की जाए, खरीफ सीजन यानी कि जो जून से स्टार्ट होता है, 151.43 मिलियन टन, और रबी क्रॉप जिसको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है वो है 155.88 मिलियन टन। तो ये दोनों टारगेट किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च फैल्कन 9 रैकेट स्टारलिंक 24 मिशन? बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन है जिसका नाम है स्टारलिंक 24 मिशन, जो कि फैल्कन 9 रॉकेट नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कौन से कंपनी के द्वारा। तो ये किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है। स्पेस एक्स तो आप सभी जानते हैं, एलोन मस्क की बहुत बड़ी कंपनी है,
स्पेस एक्स ने ये लॉन्च किया है 60 स्टारलिंक सैटेलाइट, और अभी हाल में इसका लॉन्च हुआ है कैलिफोर्निया के पास, एक सी है वहाँ पे ये लॉन्च किया गया है और ये सक्सेसफुल भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मर्चेंट स्टैक, कौन से बैंक ने मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? तो वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक ने ये लॉन्च किया है मर्चेंट स्टैक। ये क्या होता है? देखिए, बैंक में जाने के लिए एक लंबी लाइन लगानी पड़ती है। आईसीआई बैंक ने बोला कि जो मर्चेंट है, मर्चेंट यहाँ पे बताया जा रहा है स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को, जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया है मर्चेंट स्टैक। इसके अंतर्गत क्या होगा कि उनको एक कॉन्टैक्टलेस कार्ड दी जाएगी। कैसा कार्ड होगा? कॉन्टैक्टलेस कार्ड। और ये जो कार्ड होता है, इसको POS मशीन के सामने टच करने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर से ही वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है। और इस कार्ड से क्या होगा कि डिजिटल पेमेंट आसानी से हो पाएगा, और इसीलिए स्टार्ट किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। तो याद रखिएगा, ICICI बैंक ने मर्चेंट स्टैक स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6, दंतक प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, दंतक प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मेन मोटिव होता है न्यूज़ को लाना, ठीक है? और न्यूज़, अगर आप अवेयर होंगे न्यूज़ से, तो आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। दंतक प्रोजेक्ट जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये एक रोड मेकिंग प्रोजेक्ट है, और ये रिलेटेड है भूटान से। जी हाँ, भूटान और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत जो बॉर्डर एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन है, जिसको BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो इस काम को कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है दंतक प्रोजेक्ट, भूटान और इंडिया के बीच में बॉर्डर रोड को कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट। देखिए, अगर BRO की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और एग्जाम में आने की पूरी चांस है। फर्स्ट फीमेल कमांडिंग ऑफिसर कौन है BRO की, जो अभी सेलेक्ट हुई है? बहुत ही आसान नाम है, वैशाली S. हिवासे। ठीक है, वैशाली S. हिवासे इनका नाम है। ये पहली है जो कमांडिंग ऑफिसर बनी है रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, दैट इज़ BRO, दैट इज़ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक बॉडी है जो कि बॉर्डर एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? वैशाली S. हिवासे। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड टेस्ट ऑफ 5th generation Python 5 एयर टू एयर मिसाइल? अभी हाल में 5th generation Python एयर टू एयर मिसाइल का अभी हाल में क्या हुआ है? टेस्टिंग हुई है, ठीक है? तो ये जो टेस्टिंग हुई है, उसको सक्सेसफुल टेस्ट कौन किया है? तो वो किया गया है DRDO के द्वारा। जी हाँ, DRDO ने पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को अभी हाल में टेस्ट किया है। पाइथन एयर टू एयर मिसाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, और DRDO के अचीवमेंट की बात की जाए तो DRDO एक ऐसा बॉडी है जो कि बना था 1958 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DRDO डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अगर इसकी अभी हाल के डेवलपमेंट की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो बहुत ज़रूरी है जानना, जैसे सिंधु नेत्र सैटेलाइट बनाया गया अभी DRDO के द्वारा। उसके अलावा एक इंडिजीनियस पिस्तौल है जिसका नाम है अस्मी, वो भी डेवलप किया गया था DRDO के द्वारा। और आपको याद होगा, मैंने बताया था अक्टूबर मंथ में कि एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम भी टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा सक्सेसफुली। रक्षिता बाइक एम्बुलेंस, एक बताया था मैंने कि एक इंडिजीनियस बाइक एम्बुलेंस बनाया गया है आर्मी के लिए, जिसका नाम है रक्षिता बाइक एम्बुलेंस, वो भी DRDO के द्वारा बनाया गया है। और इंडिया का पहला एयर कंटेनर जिसका नाम है सहायक NG, वो भी किसके द्वारा बनाया गया है? DRDO के द्वारा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कौन बने हैं नए फिनांस सेक्रेटरी इंडिया के? तो वो है टी वी सोमनाथन। टी वी सोमनाथन जो है वो 1987 के तमिलनाडु IAS बैच के ऑफिसर हैं, जिनको अभी हाल में फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टी वी सोमनाथन। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंट कंट्री दैट डिक्लेयर टू ज्वाइन पेरिस एग्रीमेंट, कौन से अभी हाल में कंट्री ने पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन करने की बात की है?
जल्दी से इसका आंसर दे दें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।